गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जिस नरेश पटेल के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए, छोटे बड़े से लेकर खुद सोनिया गांधी उनसे मिल चुकी, वही कांग्रेस ने हार्दिक पटेल को ऐसे किनारे लगाया कि उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। लेकिन नरेश पटेल ने अब राजनीति में एंट्री लेने से इनकार कर कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। नरेश पटेल खुद को किसी पार्टी के साथ जोड़ना नहीं चाहते हैं। माना जा रहा है कि नरेश पटेल इन बातों को लेकर जल्द ही अपना बयान जारी कर सकते हैं। लंबे समय से कांग्रेस कोशिश कर रही थी कि नरेश पटेल को पार्टी में शामिल किया जाए। सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि उनका मूड बदल गया है और वे इस बार भी राजनीति में कदम नहीं रखने वाले हैं। नरेश पटेल ने अपने समाज के बीच भी एक सर्वे करवाया था। उस सर्वे में वे यही जानने का प्रयास कर रहे थे कि उन्हें राजनीति में कदम रखना चाहिए या नहीं। कहा जा रहा है कि सर्वे के नतीजों में साफ कर दिया कि नरेश पटेल को राजनीति से दूर रहना चाहिए और शायद इसीलिए वे कुछ दिनों में इसको लेकर एक औपचारिक ऐलान भी कर सकते हैं। अगर वे ऐसा ऐलान कर देते हैं तो कांग्रेस के लिए चुनाव के बीच एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। नरेश पटेल सिर्फ बड़े पाटीदार नेता नहीं बल्कि सौराष्ट्र की 35 से ज्यादा सीटों पर उनकी भूमिका निर्णायक रहती है। अगर वे चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ चले जाते तो पार्टी को पाटीदार वोटों का बड़ा हिस्सा मिल सकता था। वैसे भी खुद नरेश लेउआ पटेल हैं, जिनकी तादाद गुजरात में अच्छी खासी है। उनका किसी भी पार्टी के साथ जुड़ना जमीन पर समीकरण को बदल सकता था। लेकिन 2007, 2012 और 2017 के बाद एक बार फिर उन्होंने लंबे समय तक राजनीति में एंट्री लेने से मना कर दिया। फिर उन्होंने लंबे समय तक राजनीतिक एंट्री को लेकर सस्पेंस बनाए रखा और फिर आने से मना कर दिया। उनकी राजनीतिक एंट्री ज्यादा संभावित इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात कर ली थी, खुद ऐसी हिंट दे रहे थे कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी भी उनकी तमाम शर्तें मानने को तैयार हो चुकी थी। ऐसे में कहा जा रहा था कि वे कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लेकिन वो राजनीतिक एंट्री संभावित ही रह गई और पाटीदारों को मनाने के लिए कांग्रेस को कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।